हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर विजुअल आर्ट का 5 नवंबर 2017 का। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेस्कोग्राफी शाही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए थिनर, बी एनालाइन, सी रबर सॉल्वेंट, डी निल्सन डॉल। तो इसका आंसर है बी एनालाइन डाय। डी पी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते हैं? ये शायद ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि उनकी डी पी राय चौधरी ने हमेशा महिलाओं पर फोकस किया है, तो इसका आंसर है सी महिला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिंट मेकिंग में एक्वर्टिन प्रभाव किससे प्राप्त होता है? तो ए क्रियॉन, बी रेसिन, सी चौक, गम एरेबिक। तो इसका आंसर है बी रेसिन। रेसिन एक पाउडर की तरह होता है जिसमें हम शेड्स दे सकते हैं लाइट, और थोड़ा सा उसमें एक संतुलन बनाए रखने के लिए हम वो चीज़ करते हैं, तो उसे एक्वर्टिन प्रिंट में यूज़ किया जाता है। भारत में कोलाज प्रिंट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किशन रेड्डी, कवल कृष्ण, सी जगमोहन चोपड़ा, डी चित्त प्रसाद। तो इसका आंसर है बी कवल कृष्ण। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, वह कहलाता है अनुक्रम, बी संगति, सी संतुलन, डी विरोधाभास। तो ये बेसिकली हम जानते हैं इनका थोड़ा थोड़ा कि लाइन जब कलर्स पे एक प्रेशर होता है तो विरोधाभास होता है। मोस्टली पीपल नो एवरीथिंग, राइट? सो इसका आंसर है ए अनुक्रम। पुस्तक मिथ्स एंड सिम्बोलम इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं डब्ल्यू जी एच आर, एम जीमर, की ए के सौ कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज। तो इसका आंसर है बी बी एच जी में। चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया? फोर्थ डायमेंशन, हेनरी रॉबर्ट, बी कंडिंस्की, सी क्रोपा, डी लेनोवो। तो इसका आंसर है डी लेनोवो। बर्थ इन फ्रंट ऑफ एट टेंट नामक चित्र किसकी संबंध है? गुस्ताव कोर्बे, कॉमल कॉटो, वॉनगो, फोनसेजा। तो बर्थ इन फ्रंट ऑफ एंटेंट नामक पुस्तक फोनसेजा की है। चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है इसका ऑप्शन है के ए के सी एस पाणिकर, बी एन रामचंद्र, सी के सी सुब्रमण्यम, डी वेदनायर। तो इसका आंसर है के सी एस पाणिकर। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? एफ एन सूजा, त्रिलोकोल, सी एस एच रजा, डी जी आर संतोष। तो इसका आंसर है एफ एन सूजा। पंडिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इस ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरला। तो जम्मू और कश्मीर इसका आंसर है। माइकलो एंजेलो और वेटिन वेसिस्टन चैपल की छत के चित्रण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? ए टेम्परा, बी मिस्क मीडिया, सी फ्रेस्को, डी ऑयल। तो जो सिस्टिन चैपल की छत पे पेंटिंग्स बनी है जिसको मैं क्रिएशन ऑफ एडम सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है, और भी मोन सन बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने माइकल एंजेलो ने बनाई है। दिस इज़ द फेमस वर्क ऑफ माइकल एंजेलो एंड ये बनाया गया है फ्रेस्को से। क्वेश्चन नंबर 13, आकार देने की ग्लास्टिक प्रणाली की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मोल्डिंग, बी कार्विंग, सी मॉडलिंग, डी कास्टिंग। तो इसका आंसर है बी कार्विंग। जब हम कार्व करके किसी चीज़ को निकालते हैं तो उसकी शेप बनाई जाती है, उसका आकार दिया जाता है, उसको कार्विंग कहा जाता है। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराजा सैयद राज कंवर, बड़ौदा की लक्ष्मी के विलास पैलेस की कृतियाँ तैयार करने की कमान सौंपी थी? ए डी पी राय चौधरी, बी फंडीनाथ बोस, सी वी पी गल एंड डी संकोच होते। तो इसका आंसर है बी फंडीनाथ बोस। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई होप आई ट्राई टू मेक एलिब्रेट ऑल द थिंग। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू।